गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अलका खुराना, आपकी साइंस की टीचर, स्वागत करती हूं आप सभी का माय करियर के लाइव चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि आज हमारी क्लास किसकी होगी, साइंस की क्लास होगी। ठीक है, ये देखिए पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइंस। आज की जो क्लास होगी बेटा, वो क्लास कौन सी होगी, क्लास होगी साइंस की। आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में साइंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। आप सभी जानते हैं अच्छे से कम लगभग कितने क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको साइंस को पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ऊपर देखिए, मैंने ऊपर लिखा है साइंस। ठीक है, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, साइंस को हिंदी में कहा जाता है बच्चे विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या कहेंगे, साइंस को हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। और इस विज्ञान में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसमें आपको पढ़ने हैं 3 सब्जेक्ट। ठीक है, हम बच्चे क्या करते हैं कि तीनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, तो मिक्सिंग नहीं करनी है। साइंस में जहां मिक्सिंग हुई, साइंस में जहां डाउट आया, तो रिमेम्बर वही चीज आपको समझ आना बंद हो जाती है। तो इसीलिए तरीका फॉलो कीजिए, बाकी क्लास तो फॉलो करना ही है आपको। ठीक है, तो साइंस को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया मैंने, 3 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट क्या है बच्चे, पहला पार्ट है आपका बायोलॉजी। ठीक है, आपको पता है कि आपके साइंस सब्जेक्ट जो एग्जाम होगा, साइंस में बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहा जाएगा बच्चे जीव विज्ञान। ठीक है, साइंस का पहला पार्ट क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा पार्ट इसमें क्या होगा, दूसरा पार्ट इसमें होगा केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट या दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, दूसरा सब्जेक्ट होगा क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाएगा रासायनिक विज्ञान। लेकिन आज के टाइम में इसको एक नाम और दिया गया है, हम रासायनिक बहुत बड़ा नाम है, तो वो ना लिख के सीधा क्या लिखते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है आपको इसमें, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ना है पीएच। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे क्या, भौतिक विज्ञान। तो आपको पता है कि आपका एक जो एग्जाम होगा उसमें साइंस आएगी, साइंस से आपके लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। पढ़ने का तरीका क्या है, मिक्सिंग नहीं करना है, चीजों को इंडिविजुअल करके आपको पढ़ना है। इंडिविजुअलिटी मैंने बता दी है कि इसमें पहले आपको बायो पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, फिजिक्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसको, बायो को। ठीक है, आज हम बायो को पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज किसको, बायो को। बायो को हिंदी में क्या कहा जाएगा, जीव विज्ञान। केमिस्ट्री को रासायनिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, फिजिक्स, और इसको हिंदी में कहेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज किसको, बायो को। तो बायो में बच्चे आपको सिलेबस तो पता होगा, हम सिलेबस से आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर। यह आपकी क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में हम आज पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसमें आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि वो चीज होती क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के अंदर 2 से 3 चीजें हम पढ़ेंगे, वो साथ साथ में बताती जाऊंगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, हिंदी में इसको कहा जाएगा जीव विज्ञान परिचय। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान परिचय। अब मैम ये बताइए कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी होता क्या है, ये आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, तो इसमें इम्पोर्टेंट है इसके फादर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, ओके मैम, इतना समझ आ गया। अब आगे बताइए, दूसरा जो टॉपिक होता है इस चैप्टर में वह आप पढ़ोगे सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। समानता किसकी पढ़नी है? नॉन लिविंग और लिविंग की, लिविंग एंड नॉन लिविंग की। हम क्या करते हैं बेटा, ऑलवेज डिफरेंस पढ़ते हैं, लिविंग्स की सिमिलैरिटी नहीं पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है और चांसेस है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी या समानता भी पढ़ेंगे, सिर्फ छोटा सा है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, ठीक है। ओके मैम, इतना समझ आ गया। अब तीसरा क्या पढ़ना है, तो तीसरा पढ़ना है आपको यहां पर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तीसरा जो टॉपिक है और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, हिंदी में इसको कहेंगे सजीव और, सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर के टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं और साथ साथ ये भी बता दिया है कि आपको इस चैप्टर में इसे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फादर पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें समानता दिखाती है, उसका सिर्फ एक लाइन है। उस लाइन में जो चीजें होगी वे मैं टॉपिक के साथ आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपने अपना सिलेबस अगर देखा होगा तो वहां पे इस ये आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में है, ये सारी चीजें आपकी फर्स्ट चैप्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है कि इस क्लास में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। कोशिश करना कि क्लास में ही चीजें क्या है आपको याद हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, जहां से, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है उसको स्टार्ट करेंगे। आप भी इसको स्टार्ट करना, उस पर फोकस करना कि वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेंगे, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, किसके बारे में आपको जानना है, किसके बारे में आपको जानना है, आपको बायोलॉजी के बारे में जानना है। तो ये जो बायोलॉजी है, आपसे अगर पूछे कि आपको किसके बारे में जानना है तो आप कहेंगे कि मैम हमें बायोलॉजी के बारे में जानना है। तो पहला क्वेश्चन आपके ब्रेन में क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन हमारे ब्रेन में होगा कि ये बायोलॉजी क्या है और ये बायोलॉजी कहाँ से आई है, ठीक है। तो इसके लिए, अब बायोलॉजी क्या है तो इसके लिए मैं क्या इसका डेफिनेशन याद करने बैठूंगी, नहीं, हमें इसका डेफिनेशन तरीके से निकालना है, ठीक है, ताकि वो चीज आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो बायोलॉजी है ये कहाँ से आया है, ये बायोलॉजी कहाँ से आया है, तो आप कहेंगे कि ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। ये कहाँ से आया, एक ग्रीक शब्द से आया, या फिर आप क्या कहेंगे, एक ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है। फिर आपके ब्रेन में क्वेश्चन क्या है कि मैम बायोलॉजी कहाँ से आया ये तो समझ आया, लेकिन वो ग्रीक वर्ड क्या है, वो ग्रीक वर्ड क्या है। तो ग्रीक वर्ड क्या है बच्चे, बायोलोगस है। ग्रीक वर्ड क्या है, बायोलोगस है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द से आया है और वो क्या है आपका, बायोलोगस है। अब हम क्या करेंगे, आप कहेंगे मैम इसका जो मीनिंग है वो मुझे नहीं समझ आया है, आप प्लीज इसको हमें बताएं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक बायो में तोड़ा और दूसरा किस में तोड़ा, इसको लोगस में। मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बायो में तोड़ दिया और दूसरे किस में तोड़ा बेटा, लोगस में तोड़ा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इनको इंडिविजुअली अलग अलग इसका मीनिंग निकाला, और जैसे ही आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो आपके पास बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो आपके पास आ जाएगा। तो बायो का मीनिंग क्या है, बायो के दो मीनिंग है, ठीक है। एक मीनिंग तो है लिविंग, एक मीनिंग तो क्या है, लिविंग। लिविंग को क्या कहते हैं, सजीव।
एक मीनिंग क्या है बेटा, लिविंग। लिविंग को क्या कहते हैं, सजीव। दूसरा मीनिंग क्या है, तो दूसरा मीनिंग है लाइफ। आपको पता होगा कि हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग है, हम लोग सजीव है, तभी तो हम एक लाइफ जीते हैं, हमारी एक जिंदगी होती है, ठीक है। और आपने कई बार देखा होगा कि बायोलॉजी को कई बार लाइफ साइंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारी क्या है, लाइफ है, ठीक है। तो बायो के कितने मीनिंग हो गए, दो मीनिंग हो गए, एक है आपका लिविंग और दूसरा क्या है आपका लाइफ। अब उसके बाद कौन बचा, उसके बाद बचे लोगस भाई साहब, है ना। तो लोगस का मीनिंग क्या है, लोगस का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होगा बच्चे, इसका मीनिंग होगा क्या, टू स्टडी। मीनिंग क्या होगा इसका, टू स्टडी। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, हिंदी में आप इसको कहेंगे अध्ययन करना। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ देना है। आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो आपके पास आ जाएगी। तो दोनों को जोड़े, पहले इंग्लिश में जोड़ेंगे फिर हिंदी में जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़िए, मैंने पहले क्या लिखा, टू स्टडी। टू स्टडी किससे जोड़ा, ऑफ से। टू स्टडी ऑफ लिविंग, टू स्टडी ऑफ लिविंग और यू से लाइफ, ठीक है। टू स्टडी ऑफ लिविंग और यू से लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हिंदी मीडियम क्या कहेगा, हिंदी मीडियम क्या कहेगा बच्चे, सजीवों का, सजीवों का या जीवन का, सजीवों का या जीवन का अध्ययन करना, अध्ययन करना जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाता है। एक बार रिवाइज हो जाए, मैंने क्या बताया, मैंने तो मीनिंग बताया, डेफिनेशन तो आपने बनाई है। आपने डेफिनेशन कैसे बनाई, आपने इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया। जैसे इन दोनों शब्द को आपस में जोड़ा तो आपके सामने क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। किसकी डेफिनेशन आ गई, बायोलॉजी की डेफिनेशन आ गई। तो क्या डेफिनेशन सामने आई, टू स्टडी ऑफ लिविंग और लाइफ। यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी क्या है, और बायोलॉजी का हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है और हमें किसके बारे में पढ़ना है, लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी में हो जाए एक बार, तो हिंदी में क्या लिखा है कि सजीवों का, लिविंग का मतलब क्या बताया मैंने, सजीव। तो सजीवों का या उसके जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा बेटा, आपका जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो किसी बच्चे को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब चले आगे, तो आगे चलते हैं, साथ साथ लिखते भी रहना बेटा, ठीक है। आपके जो नोट्स है, कोशिश कीजिएगा कि आपके जो नोट्स है वो क्लास में ही प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। बाद में कॉपी पेन लेके बैठोगे तो चीजें कवर नहीं होती है, साथ साथ चीजों को करना सीखो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो, आपने कहा कि मैम हमें सारी चीजें समझ आ गई है, लेकिन ये बताइए कि आपने तो इसको लिखा बायोलोगस, आपने इसको क्या लिखा, बायोलोगस लिखा, और इससे आपने हमें बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो आपने हमें बता दी है। लेकिन ये बताइए मैम कि इसको बायोलॉजी या बायोलोगस, सबसे पहले आप ये बताइए कि बायोलोगस को बायोलॉजी सबसे पहले किसने कहा। फिर से सुनिएगा, बायोलोगस को, बायोलोगस को बायोलॉजी किसने कहा। जैसे हम होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कि हमारे निकनेम्स होते हैं, वो हमारा स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, वो हमारे निकनेम होते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा, आप मान लीजिएगा ये बायोलोगस जो है ये बायोलॉजी का निकनेम है, तो इसका एक्चुअल जो नेम है वो किसने दिया। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे, इसका जो एक्चुअल नेम है किसका, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो एक्चुअल नेम है, जो बायोलॉजी है, वो किसने दिया, दो साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया, दो साइंटिस्ट ने दिया, या फिर आप क्या कहेंगे, दो वैज्ञानिकों ने दिया।
कितने वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? दो। ठीक ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैम इन वैज्ञानिकों के नाम बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम में तो नेम आएगा पूछा हुआ, ये थोड़ी ना आएगा कि दो वैज्ञानिक थे, तीन वैज्ञानिक थे। आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। तो नाम क्या है? तो देखिएगा, मैंने लिखा एल एफ टी जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे चार वर्ड लिखे हैं। मैं हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसको लेफ्ट लेफ्ट जी, ठीक है। हम इसको क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट जी पढ़ेंगे। अब आप कहोगे मैम ये लेफ्ट जी क्या है? तो देखिएगा बच्चे, लेफ्ट जी क्या है? तो इसमें ये जो एल है, एल का मतलब क्या है इसमें? लैंडमार्क। एल का मतलब क्या है इसमें? लैंडमार्क। लैंडमार्क कहाँ का है? भाई आप नाम पढ़ रहे हो तो साथ ये भी देख लो कि ये है कहाँ से। तो जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क कहाँ के हैं बच्चे? लैंडमार्क है आपके कहाँ के? फ्रांस के। लैंडमार्क कहाँ के हैं? लैंडमार्क है आपके फ्रांस के। उसके बाद दूसरा क्या है? टी। टी का मतलब क्या है? ट्रेवी रेनस, ठीक है। ट्राइवेरेनस कहाँ के है? तो ये है आपके जर्मन के। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। बायोलोगस, समझ लीजिएगा कि जो बायोलोगस है वो बायोलॉजी का क्या है बेटा? निक नेम है, ठीक है। यहाँ पे बायोलोगस को बायोलॉजी किसने कहा? तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? दो साइंटिस्ट थे। ये सिर्फ पढ़ना है, याद ये वाला करना है कि वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे। तो लेफ्ट जी करके आप इसको याद रखिएगा। एक था लैंडमार्क, लैंडमार्क कहाँ का है? फ्रांस का। फिर दूसरा क्या है? ट्रेवेरिनस, ट्रेवेरिनस कहाँ का है? जर्मन का है, ठीक है। तो यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अब चलते हैं आगे। आपने कहा कि मैम इतना तो समझ आ गया, अब आप ये बताइए कि बायोलॉजी के फादर कौन है? जीव विज्ञान के जनक या फिर बायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि किसको कहा जाएगा? एरिस्टोटल को, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक या बायोलॉजी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के फादर है आपके एरिस्टोटल। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? तो हिंदी में आप इसको कहेंगे अरस्तु, ठीक है। इतना समझ आया? अभी आपको कितनी चीजें याद करनी है? लैंडमार्क, ट्रेवेरिनस और क्या याद करना है? एरिस्टोटल, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? एरिस्टोटल को, या अरस्तु हिंदी में इसको कहते हैं, उसको कहा जाएगा। चलें आगे, इतना क्लियर हुआ। अब उसके उसके बाद देखो आगे, इसको रेज करते हैं। इसके बाद होगा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। बायोलॉजी को हम क्या करेंगे बेटा? दो मेन ब्रांचेस में, दो मेन ब्रांचेस में या दो मुख्य शाखाओं में उसको तोड़ देंगे। कितनी शाखाओं में तोड़ देंगे? दो मुख्य शाखाओं में तोड़ देंगे। शाखाएं बहुत सारी होती है, लेकिन हमें सारी याद नहीं करनी है, जो मेन मेन होगी वही याद करनी है, ठीक है। तो बायोलॉजी को पहले हम कितनी ब्रांचेस में तोड़ेंगे? तो दो मेन ब्रांचेस में हम उसको तोड़ देंगे। अब आप कहोगे कि मैम वो दो मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है? तो दो मेन ब्रांचेस में एक होगा आपका बोटनी, एक क्या होगा बेटा? बोटनी होगा। एक क्या होगा? बोटनी। बोटनी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाएगा वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाएगा? वनस्पति विज्ञान कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा बेटा? वनस्पति विज्ञान इसको कहा जाएगा। एक बोटनी है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जूलॉजी। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहेंगे जंतु विज्ञान। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहा जाएगा जंतु विज्ञान। अब ये क्या है और ये क्या है? तो यहां पे देखना, फर्स्ट आपको पहले वाली डेफिनेशन याद है? पहले वाली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? टू स्टडी ऑफ, आगे स्पेस कर दो, किसके बारे में पढ़ रहे हो? बॉटनी के बारे में। तो इज कॉल्ड बॉटनी,
ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कि यहाँ पे जो आपने फिलअप बनाया है इसमें हमें क्या लिखना है, तो वनस्पति क्या है? वनस्पति है आपके प्लांट एंड ट्रीज। क्या है? प्लांट एंड ट्रीज है, पेड़ पौधों का, हिंदी में देख लीजिएगा, पेड़ पौधों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बोटनी किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों के अध्ययन को आप बोटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोले, मैंने क्या किया, मैंने बायोलॉजी को दो मेन ब्रांचेस में तोड़ दिया है। वो दो मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है? तो एक है आपकी बोटनी और दूसरी क्या है आपकी जूलॉजी। एक है आपकी बोटनी और दूसरी क्या है आपकी जूलॉजी। फिर है कि बोटनी क्या है और फिर है कि जूलॉजी क्या है। ठीक है, तो बोटनी क्या है, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो, प्लांट एंड ट्रीज के बारे में। अगर ये सारी चीजें भी याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना याद करो कि बोटनी में हमें क्या पढ़ना है, प्लांट और ट्रीज, पेड़ पौधों के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? पेड़ पौधों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, फिर जूलॉजी क्या है? जूलॉजी तो आपको पता होगा, ये क्या लिखा हुआ है, जू। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जंतु। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसके बारे में आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एनिमल्स के बारे में। ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाता है। अब पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आती दोबारा से बोटनी पे। पहले हम बोटनी को कंप्लीट करेंगे, देन कंप्लीट करेंगे किसको, जूलॉजी को। तो बोटनी क्या है? बोटनी है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट ये है कि मैम ये तो समझ आ गया कि बोटनी है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसके फादर या इसके जनक किसको कहा जाता है। जनक के क्वेश्चन, फादर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो याद रखना कि ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, तो बोटनी के जनक किसको कहा जाता है? इसके जनक कहा जाएगा थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाएगा? थियोफ्रेस्टस को कहा जाएगा। मैम इतना बड़ा नाम ना हमें याद नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करें, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लास को फॉलो कीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड लिखा हुआ है द। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? फेराजिस। पढ़ते हो ना फेराजिस, आप पढ़ोगे इंग्लिश की जब आप तैयारी करते हो तो उसके अंदर फेराजिस पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसको किससे जोड़ना है? ओ से जोड़ना है। पीछे क्या लगा देना है? पीछे टस लगा देना है। बन गया क्या? थियोफ्रेस्टस। दोबारा से सुन लीजिए, बोटनी के फादर किसको कहा जाता है? तो बोटनी के फादर थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसको याद कैसे करना है? तो पहले मैंने क्या लिखा? द लिखा, उसके बाद क्या लिखा? फेराजिस आप पढ़ते हो लिखा। उसको किससे जोड़ा? ओ से जोड़ा। किससे जोड़ा? ओ से जोड़ा। और यहाँ पे ये क्या लगाना है, क्या लिखना है लास्ट में? टस लिखना है, टी यू एस, टस। तो क्या बन गया? थियोफ्रेस्टस। क्या बन गया बच्चे? थियोफ्रेस्टस बन गया है। तो यहाँ पे बोटनी के फादर कौन हुए? थियोफ्रेस्टस हुए। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम थियोफ्रेस्टस ने ऐसा क्या किया, थियोफ्रेस्टस ने ऐसा क्या किया कि उनको बोटनी के फादर बोला गया, उनको बोटनी के फादर बोला गया। तो यहाँ पे इसको रेज करते हैं, देन इसके बारे में हम आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको रेज करें। चलिए, तो दो पॉइंट हो गए इसके। अब तीसरा पॉइंट देखो, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया कि इनको यहाँ पे इनका बोटनी का फादर कहा जाने लगा। थियोफ्रेस्टस ने प्लांट एंड ट्रीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनकी रिसर्च की, इनकी खोज की, किस किस की? पेड़ पौधों की। और कितने पेड़ पौधे थे? 500। इन्होंने 500 डिफरेंट या अलग अलग
पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, और जितना पढ़ा या जितना भी नॉलेज, जितना भी ज्ञान इनको मिला, तो उन्होंने उस पूरे ज्ञान को किस में लिख दिया बेटा? बुक में लिख दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थियोफिस्टस ने किस बुक में पेड़ पौधों का वर्णन किया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटारम, हिस्टोरिया प्लांटारम। याद करने का तरीका बताती हूँ अभी, पहले आप लिखिए कि क्या है हिस्टोरिया प्लांटारम। थियोफिस्टस ने 500 अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा या डिस्कवरी की, या रिसर्च, डिस्कवरी नहीं, रिसर्च की, रिसर्च की। देन उसे उनको जो भी नॉलेज मिला उन्होंने बुक में लिखा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री से आपको अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर प्लांट्स के बारे में या ट्रीज के बारे में हमें नॉलेज हुआ तो किससे हुआ बच्चे? किससे हुआ? इनकी बुक से हुआ। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटारम। अब आप कहोगे मैम इतना बड़ा जो नाम है वो याद नहीं होगा, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? ट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है? इसके लिए क्या करेंगे? हम ट्रिक फॉलो करते हैं, ट्रिक से चीजें क्या है आपको याद रहेगी। तो देखते हैं, पहले हम इसको हिंदी में देखें एक बार, हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? तो हिंदी में इसको कहा जाएगा वनस्पति इतिहास। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे बच्चे? हिंदी में आप इसको कहेंगे वनस्पति इतिहास। क्या कहेंगे? वनस्पति इतिहास। अब इसको याद करने का तरीका बता दें आपको, तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो नाम है ये हमें कैसे याद करें। पहली बात तो ये देखो कि जो थियोफिस्टस है वो आज नहीं है, उन्होंने पास्ट में ये नॉलेज हमें दिया था। तो यहाँ पे पास्ट को आप क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। किसके बारे में पढ़ा था इन्होंने? प्लांट के बारे में पढ़ा था, और साथ में ये क्या देता है हमें? रम देता है, ठीक है? तो इन्हीं चीजों को जोड़ो। हमें क्या करना है, अब ये जो नाम आए हैं हमारे सामने इसको हमें थोड़ा सा साइंस में कन्वर्ट करना है। तो साइंस में कन्वर्ट करने के लिए जहां वाई है उसको हम लिख देंगे आई ए, ठीक है? प्लांट में टी के बाद लगा देंगे ए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, Y को हटाओ, Y में क्या लगा दो? आई ए। टी और R के बीच में क्या लगा दो? A। तो ये बन जाएगा हिस्टोरिया प्लांटारम। लिख दे एक बार, क्या बन जाएगा? हिस्टोरिया प्लांटारम। तो ये क्या है? ये बच्चे बॉटनी का, बॉटनी के जो जनक है ये उनके द्वारा लिखी गई बुक है, जिनमें इन्होंने 500 अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में बताया है, ठीक है? तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ लिया कि भाई बॉटनी क्या है? पेड़ पौधों का अध्ययन है। इसके फादर कौन है? थियोफिस्टस है। फिर आपने पढ़ा कि कितने पेड़ पौधों की बात की? 500 की। फिर उसके बाद यहाँ पे बुक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया प्लांटारम, ठीक है? मेन चीज क्या है कि फादर कौन है और फादर ने कौन सी बुक को यहाँ पर लिखा है, ठीक है? चले आगे, उसके बाद बात करते हैं किसकी? जूलॉजी की। उसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा? जूलॉजी की। तो जूलॉजी का एक पॉइंट तो मैंने यही लिखा हुआ है कि जूलॉजी क्या है। जूलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन होता है? तो जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होता है। अब सेम चीज फिर आप बोलोगे कि मैम इसके जनक कौन है या इसके फादर कौन है? तो इसके जनक आपको पहले याद है एरिस्टोटल, तो जो एरिस्टोटल है वो जूलॉजी के भी फादर है। ये एक तरीके से याद होगा सारा, मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? आप अभी पढ़ते जाइए, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो जूलॉजी के फादर कौन होंगे बेटा? आपके एरिस्टोटल होंगे। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहते हैं? इनको हिंदी में कहा जाता है क्या? अरस्तु। हिंदी में क्या कहा जाएगा? अरस्तु कहा जाएगा, ठीक है? अरस्तु ने भी, इन्होंने भी थियोफिस्टस की तरह 500 कितने 500 डिफरेंट या अलग अलग एनिमल्स की स्टडी की। फिर वही बात, स्टडी के बाद जो नॉलेज मिला
जो ज्ञान मिला वो लिख दिया कि बुक में, एक किताब में। फिर क्या क्वेश्चन बना, बुक का नाम बताइए। तो पहला नाम आपको याद है, बस प्लांटारम की जगह क्या करना है, प्लांटारम की जगह आपको एनिमल लिखना है ना, क्योंकि ये किसकी बात स्टडी है, एनिमल्स की। तो प्लांट थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखना है, एनिमल्स लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में इसको कहेंगे जंतु इतिहास। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे बेटा, हिंदी में इसको कहा जाएगा जंतु इतिहास, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको हिंदी में, जंतु इतिहास कहा जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या था कि सिमिलैरिटी आपको स्टडी करना है, किसका, लिविंग और नो लिविंग का। एक बार यहाँ तक का रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहला चैप्टर मैंने क्या लिया बेटा, पहला चैप्टर मैंने लिया बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान परिचय। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा कि बायोलॉजी आया कहाँ से, तो बायोलॉजी कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया। कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक शब्द से आया। वो ग्रीक शब्द क्या है, ग्रीक शब्द बायो लोगस है। अपने नोट्स को देखते हुए चलिएगा, तो ये सारी चीजें आपकी एक बार याद हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड क्या था बच्चे, बायो लोगस था। अब जो बायो लोगस है, हमने क्या किया उसको आगे दो हिस्सों में तोड़ दिया, पहला हिस्सा बायो, दूसरा हिस्सा लोगस। फिर हमने देखा कि बायो का मतलब क्या है, तो बायो के दो मतलब थे, एक मतलब था आपका लिविंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सजीव, और दूसरा मतलब क्या था, लाइफ। लाइफ को क्या कहते हैं, जीवन। आपने देखा भी है कि कई जगह बायोलॉजी को लाइफ साइंस कहा जाता है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो आगे, दूसरा पार्ट क्या था, बायोलोगस का पहला हिस्सा बता दिया, दूसरा हिस्सा क्या था, लोगस। लोगस का मतलब क्या है, लोगस का मतलब है टू स्टडी, टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। अब दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान की जो परिभाषा है वो हमारे सामने आ गई, ठीक है। इतना क्लियर है, तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब तक आपने पढ़ा बायोलोगस, लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलोगस को बायोलॉजी किसने कहा सबसे पहले, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक कराई है। ट्रिक क्या है, लेफ्ट जी। ट्रिक क्या है, लेफ्ट जी। इसमें चार लेटर्स यूज हुए हैं, चार लेटर में जो एल है उसका मतलब लैमार्क, लैमार्क कहाँ के हैं, फ्रांस के, और दूसरा जो है ट्रेविरेनस, वो कहाँ के हैं, जर्मन के। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले प्रोनाउंस किया या नामकरण किया किसका, बायोलॉजी का, ठीक है। किन्होंने नामकरण किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ट्रीविरेनस भी इसको कहते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेविरेनस बोल लीजिए या ट्रीविरेनस बोल लीजिए। उसके बाद देखो, फिर मैंने इसको डिवाइड किया किसमें, दो मेन ब्रांचेस में, दो मेन ब्रांचेस या दो मुख्य शाखाओं में। पहला बॉटनी है और दूसरा क्या था आपका, जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। फिर हमने उसमें स्टेप टू स्टेप आगे चले कि बॉटनी क्या है, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है, इसके फादर कौन है, थियोफेस्टस है। फिर थियोफेस्टस को उनका फादर क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने 500 अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में हमें बताया था, और आपको बताया भी था कि इन्होंने जितना भी नॉलेज मिला इस स्टडी से उसको एक बुक में लिखा। तो बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम, जिसको हिंदी में वनस्पति इतिहास कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद है जूलॉजी। जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ोगे, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के यहाँ पे इसके फादर कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर क्यों कहा जाने लगा, जिस बच्चे को बॉटनी याद हो गई है उसको जूलॉजी करने में दिक्कत नहीं होगी। बॉटनी में सेम चीज फादर, यहाँ पर भी सेम चीज फादर। फादर कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। 500 अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखा, उनके बारे में नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, उनका रिसर्च किया, और जो भी नॉलेज उनको मिला उन्होंने वो एक बुक में लिखा। बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनी
मैलिया, हिस्टोरिया एनिमैलिया, और हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहा जाएगा बच्चे क्या? जंतु इतिहास। क्या कहा जाएगा? जंतु इतिहास। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें मैंने लिखा था बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया है आपको? दूसरा पॉइंट लिखवाया है कि हमें जाना कहाँ है। अब हमें जाना है किस चीज पर? कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव को एक दूसरे से, एक दूसरे में क्या करना है, उसको जानना और समझना है। जैसे बायो है, तो बायो में चीजें, बायो में किसकी बात होती है? बायो में लिविंग्स या सजीवों की बात होती है। बायोलॉजी में किसके बारे में बात होती है बेटा? तो बायो के अंदर, बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ की या लिविंग की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज लिविंग है तो आपको पता है कि लिविंग है तो नॉन लिविंग चीजें भी इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में मिलती है। ब्रह्मांड तो बहुत दूर है, आप सीधा बात कर लो किसका? निर्जीव का। ठीक है, तो चलें आगे। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, अब ये देखो, आपने ये, आप ऑलवेज, इवन ऑलवेज आप पढ़ती हो कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है बच्चे कि पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हमें इनकी समानता के बारे में भी पढ़ना है कि लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसी क्या चीज है जो सिमिलर है या जिसमें क्या है, समानता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो लिविंग है या जो नॉन लिविंग है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आदि तत्वों से मिलकर या एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सिमिलैरिटी या समानता क्या है लिविंग और नॉन लिविंग में? तो आपने देखा होगा कि जो चीजें लिविंग में मिलती है उनमें कुछ चीजें नॉन लिविंग का भी हिस्सा होती है। जैसे आपको बता दें कि कार्बन लिविंग में भी होता है, कार्बन आपको नॉन लिविंग में भी मिलेगा। हाइड्रोजन लिविंग में होता है या आपको नॉन लिविंग में भी मिलेगा। नाइट्रोजन यहां भी है और नाइट्रोजन यहां भी है। सेम चीज ये यहां भी मिलेगा और ये आपको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी किसकी है? तत्वों की है। कौन से तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने ये ही लिखे हैं, बाकी आप चाहे तो यहाँ पे सल्फर भी लिख सकते हैं। सल्फर, सल्फर को क्या कहा जाता है? गंधक कहा जाता है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन निकाल दे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लिविंग्स के, सजीवों के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो मुख्य तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई लिविंग के, सजीवों के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या होगा आंसर? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चार ऐसे तत्व हैं जिससे हमारी लाइफ या हमारा जीवन बना है। ठीक है, चलें आगे। तो ये थी सिमिलैरिटी, दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। चले आगे, अब देखते हैं आगे। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है बच्चे तो हम टीचर सभी आपके साथ है। माय कैरियर के टीचर ऑलवेज आप सभी के साथ है। आप बस अच्छा परफॉर्म कीजिए, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कीजिए और साथ साथ हमारी क्लासेस को लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ पे जुड़ेगा और एक अच्छी नॉलेज को ले पाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो बच्चे तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है?
डिफरेंस बिटवीन, इसे बिटवीन कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर। तो आपको पता होगा आपको अपने एग्जाम के लिए कहां तक जाना है, 10th क्लास तक जाना है, ठीक है। तो 10th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर देखा है, बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसको आप कहते हैं लाइफ प्रोसेस, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। अगर ये चीजें आपको पता है तो इस टॉपिक को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। लाइफ प्रोसेस जैविक क्रियाएं, मतलब कि वो क्रियाएं जो हमारी लाइफ को या जो हमारे जीवन को चला रही है, अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाती है तो याद रखना वहां पर हमारी लाइफ भी क्या होगा, रुक जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये वो एक्टिविटीज है, ये वो क्रियाएं हैं जो किसको चला रही है, जो हमारी लाइफ को या हमारे जीवन को चला रही है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं या आगे जब आप पढ़ाने लग जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जब हम अपनी बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, तो बेसिकली पहले हम खुद को जोड़ते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो हम एक तरीके से चलती फिरती साइंस है, हम बायो भी है क्योंकि हमारे अंदर लाइफ प्रोसेस है, हम केमिस्ट्री भी है क्योंकि हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, और हम फिजिक्स भी है क्यों, क्योंकि हम चल के जा रहे हैं, हम अपने पेन को पकड़ा हुआ है और हम इसे लिख रहे हैं, तो हम फोर्स, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम इस पे बाह्य बल लगा रहे हैं, तभी तो पेन चल रहा है, अदरवाइज क्या होगा, पेन नहीं चलेगा। कई बच्चे बोलेंगे मैम पेन ना इंक से चलता है, अरे भाई इंक से तो चलेगा लेकिन जब तक आप उसको हाथ में रख के उस पे फोर्स नहीं लगाओगे तो वो चलेगा, फिर तो इंक भी काम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, फिजिक्स भी है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो देखो हमें पढ़ना है डिफरेंस, तो सबसे पहले ना खुद को देखो, आप लिविंग है और आपको कंपैरिजन करना है खुद का किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। जैसे आप है तो आपके सामने पेन है, तो पेन सांस ले सकता है नहीं ले सकता, उसके पास ब्रेन है नहीं है, क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, प्रजनन क्रिया कर सकता है नहीं कर सकता है, क्या वो एक्सक्रीशन कर सकता है तो नहीं कर सकता है, ठीक है, वो खा सकता है, न्यूट्रिशन कर सकता है, पोषण कर सकता है तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहले खुद को किसी नॉन लिविंग के साथ आप कंपेयर कीजिए, तो उसके बाद देखना चीजें अपने आप ही क्या होगा, कवर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस पढ़ते हैं, पहला डिफरेंस होगा लेकिन साथ साथ वो उसकी लाइफ प्रोसेस भी होगी, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, लाइफ प्रोसेस भी होगी। तो पहला लिखते हैं बेटा, क्या पहला हो जाएगा आपका, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, हिंदी में कहेंगे कोशिकीय संगठन, हिंदी में क्या कहोगे बेटा इसको, कोशिकीय संगठन। जैसे आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो आप कहोगे कि ये मेरा घर है, ये क्या है, ये मेरा घर है, और इस घर का जो निर्माण है किससे हुआ है, ईंटों से हुआ है, किससे हुआ है, ईंटों से हुआ है या फिर ब्रिक से हुआ है। अब ये जो ब्रिक है ये इस घर के क्या है, सबसे छोटी यूनिट है या फिर कहेंगे सबसे छोटी इकाई है, क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इन छोटी छोटी ईंटों ने, इन छोटी छोटी ईंटों ने जुड़कर एक बड़े से बड़े घर का निर्माण कर दिया है, ठीक है। चीज क्लियर हुई, हम क्या पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
जिसको कहेंगे कोशिका संगठन। इसको हमें पढ़ना है अपनी बॉडी के साथ, इसको हमें पढ़ना है लिविंग के साथ, इसको हमें पढ़ना है सजीवों के साथ। ठीक है, ये सजीव में होगा, निर्जीव में ये नहीं होगा। तो कैसे पढ़ा कि भाई जैसे घर है, घर किससे बना होता है? ईंटों से। ईंट क्या है? उस घर की सबसे छोटी इकाई है। इन छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बड़े से बड़ा घर आप बना सकते हैं। वैसे ही क्या है, हमारी बॉडी है। इस बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है, इस बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है बेटा? सेल है। वो क्या है? सेल है। जहां स्टार किया है तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो घर की बात थी। घर की बात किस पे जोड़नी है? बॉडी पे जोड़नी है। ठीक है, तो बॉडी क्या है? बॉडी हमारा घर है, और ये घर किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना हुआ है। जब आप बायो पढ़ते हैं ना बेटा, तो एक चेन है, वो चेन हमेशा आपको याद रखनी है। तो यहां तक आपने लिखा होगा। यहां तक लिखने के बाद पहले मैं आपको एक चेन कराती हूँ। ठीक है, अगर वो चेन आप पढ़ लेंगे तो रिमेम्बर बहुत सारी चीजें क्या है आपकी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले हम उस सीरीज की तरफ जो बायो के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सीरीज है ये आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? यहां से। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये क्या है? न्यूट्रॉन। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। ये तीनों को इकट्ठा क्या कहा जाता है? तीनों को इकट्ठा कहा जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स। पागल नहीं है ये। अगर आप बोले कि मेंटल लिखा हुआ है तो इट्स मीन दे आर मैड, ये मैड नहीं है, ये पागल नहीं है। नाम को पूरा पढ़िए, फंडामेंटल पार्टिकल्स। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मूलभूत कण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जामिनर पूछ सकता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स किनको कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। चलें आगे। अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब क्या करेंगे? समूह बनाएंगे, और समूह बनाकर किसका निर्माण कर देंगे? एटम का। एटम को क्या कहेंगे? परमाणु। अब एटम क्या करेगा? फिर से अपनी ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करके किसको बना देगा? ये बना देगा किसको? सेल को। सेल को हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका। ठीक है, समझ आया कि सेल इन चीजों से मिलकर बनी है, बट ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है? लिविंग करना है। तो लिविंग का निर्माण कहां से हुआ? सेल से। सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई है जो लिविंग की बॉडी को बनाती है। ठीक है, अब सेल क्या करेगा? मार्कर चेंज करते हैं। अब सेल क्या करेगा बेटा? सेल दोबारा से ग्रुपिंग करेगा, या आप कहेंगे समूह बनाएगा। अब जब समूह बन गया तो आगे किसको बनाएगा? तो ये आगे बनाएगा बेटा किसको? टिश्यू को। टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, याद है ना आपको? आपको प्लांट और एनिमल की स्टडी भी करनी है, तो आपको समझ आया टिश्यू किससे बने होते हैं? टिश्यू सेल से ही बने होते हैं। अब थोड़ा हम इधर दूसरी तरफ चलेंगे, ऊपर स्पेस नहीं है, इधर देखो। अब ये जो टिश्यू है ये फिर क्या करेगा? ग्रुपिंग करेगा, मतलब कि समूह बनाएगा। अब जब ये समूह बना देगा तो ये किसको बनाएगा?
तो ये बनाएगा बेटा किसको? ऑर्गन को। ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अब फिर क्या होगा? फिर ये दोबारा से ग्रुपिंग करेगा और किसको बना देगा? ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको आपके सिलेबस में मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो ये किसको बना देगा? बॉडी को। बॉडी को हिंदी में काय या फिर शरीर कहते हैं। तो आपने देखा कि कहां से स्टार्टिंग हुई? यहां से, और वहां तक क्या बन गई? हमारी पूरी बॉडी बन गई है। क्या बन गई? पूरी बॉडी बन गई है, ठीक है। चले आगे। तो ये जो सीरीज है ये आपको याद करनी है। एक बार मैं फिर से बताती हूं, ये लिखा इलेक्ट्रॉन, ये लिखा प्रोटॉन, और ये क्या लिखा? न्यूट्रॉन। तीनों को इकट्ठा क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। हिंदी में इनको मूलभूत कण कहा जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ग्रुपिंग करेगा, समूह बनाएगा। समूह बना के किसको बना देगा? एटम को। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। फिर ग्रुपिंग होगी, फिर सेल बनाएगा। फिर ग्रुपिंग होगी, फिर टिश्यू बनाएगा। फिर ग्रुपिंग होगी, फिर ऑर्गन बनाएगा। फिर ग्रुपिंग होगी तो ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बनाएगा। और फिर ग्रुपिंग हुई तो बेटा बॉडी या फिर शरीर या फिर काय बनाएगा, ठीक है। चले आगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको। चलिए, ज्ञान तो इतना है कि पूरी उम्र सीखते सीखते निकल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके एग्जाम में भी है, सेल आपको पढ़ना है, तो सेल के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पे इसको लिखते हैं यूनिसेलुलर, और यहाँ क्या लिखते हैं इसको? मल्टी सेलुलर। सेल्स के अकॉर्डिंग आप एनिमल्स को कितने पार्ट्स में तोड़ रहे हो? दो पार्ट्स में, एक यूनि पे और दूसरा मल्टी पे। यहाँ पे इसको कहेंगे एक कोशिके, और ये क्या हो जाएगा? बहु कोशिके, ठीक है। यूनि का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहु सारी, ठीक है। जो सजीव या जो लिविंग एक ही तरह की, सेम काइंड, सेल से मिलकर बने होंगे, वो क्या होगा? एक कोशिका या फिर यूनिसेलुलर। इनकी बॉडी में अदर सेल आपको नहीं मिलेगी, एक ही तरह की सेल्स होगी और उसी से इनका पूरा जो लिविंग है वो बन जाता है ना। बायो बिना एग्जाम्पल की तो नहीं समझ जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा, एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एग्जाम्पल है हाइड्रा। ये तो सुने होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये यूनिसेलुलर होती हैं। इनके अंदर केवल एक ही तरह की कोशिकाएं होती है और पूरे शरीर का निर्माण एक ही तरह की कोशिकाओं से या एक ही तरह की सेल से हुआ है। दूसरा है मल्टी। मल्टी में कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद करने की नीड नहीं है, सीधा किसका नाम लिख दो? अपना। अपना नाम नहीं लिखना है, मीन्स आप क्या है? आप ह्यूमन है, आप मानव है या फिर आप मनुष्य है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर बहु कोशिके, जिसमें एक से ज्यादा तरह की जो सेल्स है वो प्रेजेंट हो। जैसे हम हैं तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक तरफ इधर भी डिवाइड कर दे, तो इधर मैंने डिवाइड किया एक प्रोकैरियोटिक सेल में, हिंदी में प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही कहेंगे, बस सेल को क्या कह देंगे? कोशिका। एक प्रो है तो दूसरा क्या होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, जिसको हिंदी में यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाएगा। जब आपका क्लास दूसरा चैप्टर होगा तो ये मैं आपको बताऊंगी प्रो क्या है और यू क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। चलिए, ये सीरीज याद हो गई सबको, तो अब चलते हैं हम आगे।
आगे क्या है। तो जैसे आपने देखा कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है या सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहते हैं? सेल है। आप क्या कहेंगे? कोशिका है। क्या है? सेल है, या फिर क्या कहेंगे? कोशिका है। ठीक है, आप देखो यहीं से एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है? हिंदी में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, किसको कहा जाता है? तो ये इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा सेल। एक ही आंसर याद किया बट दो क्वेश्चन बन गए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? सेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चे? सेल को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? सेल को कहा जाएगा। ठीक है, अब चले आगे। चलिए अब यहीं से जुड़े जुड़े मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बता देती हूँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा, आपने सेल तो पढ़ लिया, तो अब ये बताओ लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स। इनको याद कर लेना, किसको कहा जाएगा? न्यूरॉन्स को। आपके शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो क्या है बेटा? न्यूरॉन्स है। अगर बात करें किसकी? लार्जेस्ट सेल की, बड़ी सेल की बात करें, तो बड़ी सेल क्या है? ओवम है, या फिर आप कहेंगे अंडा, जो फीमेल में होता है। चले आगे, फिर बात करें स्मॉलेस्ट की, छोटी सेल की बात करें, तो छोटी सेल क्या होगी? तो छोटी सेल होगी स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, चले आगे। ये तो किसकी बात थी? ये बात थी किसकी? ह्यूमन की। लेकिन अगर इसको अप्लाई करें एनिमल्स के ऊपर तो क्या होगा? तो एनिमल की अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो सेम आंसर होगा न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन होगा। लेकिन वही अगर लार्जेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिच, याद है आपको, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है और उसके जो एग सेल है या जो उसकी अंडा कोशिका है वो क्या है बेटा? लार्जेस्ट सेल है, या फिर बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हो गया। अगर छोटी की बात करें तो छोटी सेल क्या है? तो लिखना माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आप कहेंगे मैम समझ नहीं आया है कि ये क्या है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब सांस वाली बीमारी होती है। किस में होती है? चिकन्स में होती है। ये जो मुर्गियां होती है चिकन्स के अंदर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से सांस लेने वाली बीमारी होती है। जैसे कोरोना फैला हुआ है, कोरोना से बीमारी हो रही है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है, उसी तरीके से माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो चिकन्स को डिसऑर्डर दे रहा है। कौन सा? सांस लेने वाली बीमारी का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद कर लेना, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चले आगे, उसके बाद देखो, चले आगे तो उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्या है।
अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट न्यूट्रिशन का। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें उसे क्या मिल जाए, ऊर्जा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम भोजन खाते हैं, हम भोजन क्यों खाते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, या फिर क्या कहेंगे, ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, अब खाने में ऐसा क्या है, अब खाने में ऐसा क्या है जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब खाने में ऐसा क्या है जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आपने देखा होगा कि खाने में क्या होते हैं, खाने में या भोजन में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। खाने में क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ। ठीक है, ये जो पोषक पदार्थ है ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, या फिर हमारी बॉडी की कमियों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पहले तो समझिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो कण होते हैं जो हमारी बॉडी का ग्रोथ कराते हैं, जो हमारी बॉडी की वृद्धि कराते हैं, और जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट या फिर विकास कराते हैं। क्या क्या कराएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने बताया न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन आपका सेकंड पॉइंट है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। ठीक है, पोषण किसका होता है, फूड का होता है। जब फूड का पोषण होगा तो फूड से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी या फिर ऊर्जा मिलेगी। अब ये फूड से कैसे मिलती है, ये फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, ये वो सब्सटेंस या कण होते हैं जो हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या विकास कराते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल भी ले लीजिए। जैसे लिखा, क्या लिखा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे क्या लिखा, प्रोटीन, जैसे क्या लिखा, फैट, जैसे क्या लिखा, मिनरल्स, हिंदी में कहेंगे खनिज लवण, जैसे क्या लिखा बच्चे, वाटर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, और क्या लिखा, विटामिन्स। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके न्यूट्रिएंट्स के हैं। ठीक है, इनकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। अगर इनमें से पूछ ले आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में से पूछ ले कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपको मिलेगा वो किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से, फिर किससे मिलेगा, फैट से, और फिर किससे मिलेगा, प्रोटीन से। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से, फिर फैट से, और फिर किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन टिश्यूज की, उत्तकों की मरम्मत का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसे आप दिन भर काम करते हैं तो काम करने से आपकी बॉडी में टूट फूट हो जाती है, उस टूट फूट की मरम्मत या रिपेयरिंग कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, चले आगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो न्यूट्रिएंट है, इस न्यूट्रिएंट का होता है न्यूट्रिशन, और देन आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। चले आगे, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो न्यूट्रिशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखना है, एक सम आपको याद करा रही हूं, एक फॉर्मूला यहां पे लिखे पोषण, और ये बराबर है किसके, इंजेक्शन के,
डाइजेशन की, हिंदी भी लिखिए साथ साथ, अंतर्ग्रहण की, पाचन की, एब्जॉर्प्शन की, एसिमिलेशन की, और साथ में इजेशन के। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन के अंदर ये पांच प्रोसेस, पांच क्रियाएं होती है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वो क्या होगा आपका? न्यूट्रिशन होगा। वो क्या होगा आपका? न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, के जो न्यूट्रिशन है या जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार होंगे इसके? दो प्रकार होंगे। एक होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिंदी में क्या कहेंगे? सब पोषण। एक ऑटो है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा हेट्रो न्यूट्रिशन, इसको कहेंगे पर पोषण। पहले मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन ये है जिसके अंदर कितनी क्रियाएं संपन्न होती हैं? पांच। ये पांच प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। उसके बाद ये कितनी तरह का होता है? तो ये आपका दो तरह का होगा, एक होगा ऑटोट्रॉपिक और एक होगा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं सब पोषण और इसको कहेंगे पर पोषण। जैसा नाम है नाम को ही फॉलो कीजिए। ये इसके अंदर जितने भी लिविंग होंगे, जितने भी सजीव होंगे, ये अपना खाना या अपना जो भोजन है स्वयं बनाएंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दे नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए ये लिविंग दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्रिया जिसमें सजीव अपना खाना खुद बनाते हैं, वो क्रिया जिसमें सजीव अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेड देयर ओन फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसको क्या कहेंगे? सब पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप उसको कहेंगे। तो यहां पर ये जो लिविंग है इनको क्या कहेंगे? तो इनको कहा जाएगा ऑटोट्रॉप्स। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? हिंदी में इनको कहेंगे सबपोषी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में इसको कहा जाएगा सबपोषी। क्या कहा जाएगा बेटा? सबपोषी इसको हिंदी में कहा जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, ये जो क्रिया है, ये जो न्यूट्रिशन की क्रिया है, इसमें लिविंग अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो प्रोसेस जिसमें लिविंग अपना खाना खुद बनाते हैं उसको सब पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बट यहां पर ये जो लिविंग है, जो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑटोट्रॉप्स या सबपोषी कहते हैं। सेम चीज यहां आ जाएगी, बट ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये अपने खाने के लिए डिपेंड ऑन अदर्स, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ये लिविंग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो प्रोसेस, वो क्रिया जिसमें लिविंग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसको आप पर पोषण या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पूरा नाम लिख लेना इसका, पूरा नाम है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसको आप क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब यहां पर वो लिविंग, वो सजीव
जो इस क्रिया को कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो इनको कहेंगे हेटरोट्रॉप्स। क्या कहेंगे इनको? हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। और हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहा जाएगा परपोषी। हिंदी में इसको कहा जाएगा परपोषी। ठीक है, तो ये था आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हुआ। चले आगे, अब तीसरा लिखेगा मेटाबॉलिज्म। इसको रेज करें। अब तीसरा लिखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहा जाता है उपापचय। चलिए तीसरा पॉइंट, मेटाबॉलिज्म हिंदी में उपापचय क्या होता है ये? तो लिविंग में या सजीवों में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जितनी भी बायो केमिकल रिएक्शंस होती है उन सभी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, या तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म हिंदी में उपापचय के प्रकार। आपके शरीर में जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक तो उसके जुड़ने के आधार पर और दूसरा उसके टूटने के आधार पर। जैसे आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ ए प्लस बी। ए प्लस बी जुड़ा तो इसने क्या बना दिया? ए बी। फिर क्या हुआ? ये ए बी टूट गया। किस में? ए प्लस बी में। तो जुड़ना और टूटना ये दो ही चीजें यहाँ पर इसके टाइप्स को बना देती है। तो पहला होगा एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको कहेंगे उपचय और इसको कहेंगे अपचय। इसमें चीजें जुड़ती है, इसका काम है जोड़ना, कंस्ट्रक्टिव। हिंदी में कहेंगे सृजनात्मक। और इसका मतलब क्या है? तोड़ना। इसमें रिएक्शंस जुड़ती है, इसमें रिएक्शन टूटती है। कैसे? एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, यहां तक लिखिए, देन चलते हैं आगे इसके एग्जाम्पल पे। तो इरेज करें। तो पहले एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे किसका? कैटाबॉलिज्म का। तो देखो, आपने कहा कि मेरी बॉडी में प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन कैसे आया? ये अमीनो एसिड के जुड़ने से आया। जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं
तो वो निर्माण करते हैं किसका, प्रोटीन का। तो आपके शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के निर्माण की जो क्रिया है वो एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन अमीनो एसिड्स के, अमीनो अम्लों के बार बार जुड़ने से बनी है। इसीलिए जुड़ना क्या है, एनाबॉलिज्म है। जुड़ना क्या है, एनाबॉलिज्म है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, ग्लूकोज के बार बार जुड़ने से, ठीक है। तो यहां पे प्रोटीन का बनना, यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, दोनों क्या होंगे, एनाबॉलिज्म होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये बना है अमीनो एसिड के जुड़ने से, ये बना है ग्लूकोज के जुड़ने से। सुनिएगा आगे, जब एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ेगा और दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड है या ये जो आबंध है, इस आबंध का नाम क्या है, तो इस आबंध का नाम होगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या फिर पॉलीपेप्टाइड आबंध। ये याद कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब प्रोटीन के अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो किस आबंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, तो आंसर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही इनमें भी बॉन्ड होगा, तो इस बॉन्ड का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक आबंध, ठीक है। तो ये था आपका एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल। अब हम स्टडी करेंगे क्या, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल। तो इसको रेज करते हैं और देन चलते हैं किस पे, कैटाबॉलिज्म पे। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, पहले आपको बता चुकी हूं, कैटाबॉलिज्म में चीजें ब्रेक होती है, चीजें टूट जाती है। तो इसी के आधार पर इसके एग्जाम्पल, पहला होगा रेस्पिरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में कई यौगिक टूट जाते हैं, तो इसी वजह से आप इसको कैटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है या फिर एनाबोलिक है, तो आप कहेंगे कि ये कैटाबोलिक है। दूसरा एग्जाम्पल डाइजेशन, डाइजेशन को क्या कहते हैं, पाचन। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो डाइजेशन है वो कैटाबोलिक है या फिर एनाबोलिक है, तो आप कहेंगे ये कैटाबोलिक है। रेस्पिरेशन श्वसन करना, डाइजेशन पाचन करना, दोनों ही कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलें आगे, अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लिविंग्स में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी बॉडी में ये सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी का जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा या जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो हमारे शरीर से नहीं निकलेगा और हमारी बॉडी में विषैलापन या टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, जिससे ह्यूमन की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है कि अगर ये चीजें नहीं होगी तो इससे डेथ होना निश्चित है,
तो एक्सक्यूटिव सिस्टम को हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके शरीर का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट अवशिष्ट पदार्थ होता है वो निकल जाता है। किसके थ्रू निकलता है? किडनी के थ्रू। यहाँ का मेन ऑर्गन क्या है? तो मेन ऑर्गन है यहाँ का किडनी। किडनी में ऐसा क्या है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कराता है? तो यहाँ पे होगा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट टॉपिक लिखवाया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में आप इसको कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो किडनी के माध्यम से नेफ्रॉन के द्वारा आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो आपकी बॉडी का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ पर रिमूव होगा। नहीं होगा तो फिर आपको पता है कि या तो नर्क में मिलेंगे या फिर स्वर्ग में। और नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन शरीर की नहीं, किडनी की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आगे चले आप देखो, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रजनन तंत्र। इसमें क्या होता है, जो भी लिविंग होगा, जो भी सजीव होगा वो अपने जैसा ही क्या, यंग वन प्रोड्यूस करेगा या फिर पैदा करेगा, अपने जैसा ही बच्चा वो पैदा करेगा। रिप्रोडक्ट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है री, दूसरा है प्रोडक्टिव। री का मतलब क्या होता है? अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है पैदा करना, मतलब कि लिविंग का अपने जैसा ही एक बच्चा या यंग वन पैदा करना, प्रोड्यूस करना क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। ये लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसे ह्यूमन की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो लाइव रहेगा, वो जिंदा रहेगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ये आगे दो तरह का होगा, जब ये पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किन किन तरह का होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है असेक्सुअल, जिसको कहते हैं अलिंगी, और दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल, जिसको क्या कहेंगे? लिंगी। असेक्सुअल एक ही लिविंग में होता है और सेक्सुअल के लिए दो पेरेंट्स की नीड होती है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये टॉपिक है, इसको डिटेल में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है आप सभी के लिए। ठीक है, ये दो तरह का होगा, एक होगा असेक्सुअल, ये जो एसेक्सुअल है ये किसमें होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये होगा बेटा किसमें? यूनिसेलुलर में। वो लिविंग, वो सजीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होंगे उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। और जो मल्टी होते हैं तो मल्टी में कौन सा होगा? मल्टी में होगा सेक्सुअल। ठीक है, बाकी इसके डिटेल जब टॉपिक पढ़ेंगे तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अडेप्टेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अनुकूलता। इसका मतलब क्या है? ये जैसे आप हैं और ये आपके चारों तरफ का क्या है? एनवायरमेंट है, या फिर आप कह लीजिए वातावरण है। तो आपको पता है कि अगर हमें जिंदा रहना है
तो हमें अपनी बॉडी को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज करना होगा। जैसे जब सर्दी होती है तो हम अपनी बॉडी को उस तरीके से गर्म रखते हैं कि हमारी बॉडी का जो तापमान है वो बदले ना। अगर ऐसा हो गया, तापमान बदल गया, तो आप जानते हैं इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि अपने शरीर को अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल लेना। ठीक है, और आपको याद होगा 10th क्लास में आप एक चीज पढ़ते हो जिसको आप कहते हैं डार्विन का सिद्धांत या फिर डार्विन थ्योरी, या फिर मैं लिख देती हूँ नेचुरल सिलेक्शन। ये तो पढ़ा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हमें क्या कहता है? नेचुरल सिलेक्शन हमें ये कहता है कि भाई इस एनवायरनमेंट में वही जिंदा रहेगा जिसको नेचर सिलेक्ट कर लेगी, जिसको नेचर क्या करेगी, सिलेक्ट कर लेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो लोग जो उस ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जिसने टॉलरेट कर लिया तो उसका जो जीवन है वो क्या होगा बेटा, वो आगे चलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, अडेप्टेशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका, तो लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है लाइफ स्पेन, जीवन काल। तो आपने देखा है बेटा कि जैसे हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, जैसे हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हमारा मरना भी क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हमने यहाँ जन्म लिया है तो हमारी डेथ भी क्या है, निश्चित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जितनी भी लाइफ को जीते हैं, जितना भी लाइफ हम स्पेंड करते हैं, वो क्या होता है, हमारा लाइफ स्पेन होता है। जैसे कछुए की बात करें तो कछुए का टोर्टोइस का लाइफ स्पेन कितना होता है, 200 साल का होता है। तो ये इसका क्या है, लाइफ स्पेन है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। डिफरेंस में और भी चीजें आती है, लेकिन आपने ये पढ़ लिया तो बाकी डिफरेंस भी आप अच्छे से क्या है, कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कहा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, देन क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।